नमस्कार, कैसे हैं? आज हम ग्रामीण की वो विद्या लेकर आए हैं जिसे आप पता कर सकते हैं आपका काम होगा कि नहीं। तो इसे कहते हैं दाना निकालना। ये पैगाई विद्या है, ओझाई विद्या है, साथ ही इस विद्या के जानकार धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे, सिखाएंगे कि गेहूं को देखकर कैसे पता करें कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं या जो काम होना है वो होगा कि नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्रशरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मैं वही सिखाता हूं, वही बताता हूं जो स्वयं परख लेता हूं, आजमा लेता हूं, तब अपने दर्शकों के बीच रखता हूं। और ये मेरा सौभाग्य, आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। प्यारे दर्शकों, लंबी चौड़ी वार्ता ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। गेहूं से हम किस प्रकार जाने, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गेहूं के 16 दाने लेने होंगे। कितने? 16 दाने लेने होंगे। और उन दानों को आप किसी भी समय पवित्र मन से, पवित्र हृदय से अपने इष्ट गुरुजनों का ध्यान करते हुए उत्तर मुख होके घर में बैठ जाइएगा। किसी कुर्सी, बेड या प्लास्टिक की चटाई पर नहीं बैठना है, आप चादर बिछा के सूती या आपका आसन हो वहाँ बैठ जाइए। अब किसी पात्र में आप इन दानों को रखिए। रखने के पश्चात एक मंत्र, बहुत छोटा सा, दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस मंत्र को आपको 65 टाइम्स यानी 65 बार पढ़ना है। और पढ़ पढ़ के इसी के ऊपर फूंकना, दम करना है। 65 टाइम्स पढ़ने के बाद यानी 65 बार पढ़ने के बाद इस 16 दाने गेहूं को अपने उल्टे हाथ पे लेना और दहने हाथ को ऐसे करना, फिर इस तरीके करना। इस तरीके उसी को मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको बोलना है, ऐसे हिलाना है कि अगर ये मेरा काम हो जाए, अगर होगा, ठीक है, आप जो भी काम सोचे, ये मेरा काम होगा कि नहीं, अगर होगा तो मेरे दहने हाथ में सम हो, और अगर नहीं होगा तो मेरे दहने हाथ में विषम हो। बस ऐसे ऐसे करते इतना बोलने के बाद यूँ कर लेना, आधा गेहूँ इसमें, आधा गेहूँ इसमें आएगा। तो उल्टे हाथ वाला गेहूँ कटोरी में रख दें, दहने हाथ वाले गेहूँ को लेकर गिने। गिनते समय ध्यान रखिए आपका गेहूँ इधर उधर ना गिरने पाए। अगर आपकी गिनती में सम संख्या आ रही है गेहूँ की, तो वो काम 100% होगा। विषम आ रही है तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, ये बहुत चमत्कारी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। इसको करिए, देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये इसका मतलब, जो मंत्र है ना, मंत्र के देवता वो गेहूं के दाने को निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जय श्री राम।